बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं सबनेट से आप फ्रेंड्स। वाडा में 2022 की बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें तालीम मैट्रिक रखी गई है, उम्र की हद 18 से 33 साल रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने डायरेक्टली गूगल पे आ जाना और यहाँ पर टाइप करना subnetjobs.com, तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपने फर्स्ट वाले रिजल्ट पर क्लिक कर लेना, तो फ्रेंड्स आपके सामने subnetjobs.com की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी। फ्रेंड यहाँ पर टुडे जॉब्स में भी आप इन जॉब्स को देख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे न्यू कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जॉब्स 2022, फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से कंप्लीट ए टू जी पोस्ट ओपन होकर आ जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया, फ्रेंड्स वहां से भी आप इन जॉब्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना तो फ्रेंड्स यहां पे इसमें असिस्टेंट लैंडमैन की असामियां हैं और फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पेपर है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पेपर ओपन होकर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसमें बात की जाए असामियों की, फ्रेंड्स इसमें ओपन मैट पे बलोचिस्तान में लोकल बेसिस पे 467 असामियां हैं, एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा में फ्रेंड्स 124 है, मिनोरिटी कोटा में 31 असामियां, उम्र की 18 से 33 साल रखी गई है। फर्दर फ्रेंड्स इसमें बात करें मेडिकल कैटेगरी आपकी ए होनी चाहिए, हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 32 इंच होनी चाहिए, वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें 5% रिलैक्सेशन ऑन अपर साइड दी जाएगी आपको। फर्दर फ्रेंड्स बात करें इसमें स्किल टेस्ट की, तो फ्रेंड्स इसमें आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसके अलावा जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आपके उसमें एड होंगे स्किल टेस्ट में। और फ्रेंड्स इसमें फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपने जो है वो रनिंग 800 मीटर तय करना होगी, जो कि 5 मिनट्स में। फर्दर फ्रेंड्स पुशअप्स जो है वो आपने 20 इन सिंगल अटेम्प्ट इन 3 मिनट्स, उसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ वेट जो है 30 kg इन सिंगल अटेम्प्ट, उसके अलावा डिगिंग की बात करें तो 1 inch ऑफ लेंथ डेप्थ विथ 2x2x2, उसके अलावा फ्रेंड्स क्लाइंबिंग स्किल्स में बात की जाए टावर की, तो फ्रेंड्स आपने क्लाइंबिंग अप टू 10 फीट ऑन टावर वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, उसके अलावा पुलिंग ऑफ वायर्स की बात करें तो फ्रेंड्स इन 1 span of 100 feet आपने करना होगी। फर्दर फ्रेंड्स बात करें इन जॉब्स में अप्लाई करने, फ्रेंड्स इन जॉब्स में जो है वो आपने जो वेबसाइट मेंशन है फ्रेंड्स यहां पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज, फ्रेंड्स इसके जरिए से फ्रेंड्स इन जॉब्स में आपने जो है वो अप्लाई करना होगा। फर्दर फ्रेंड्स यहां पे ए टू जी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, वो आपने रीड कर लेनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन जॉब्स में अप्लाई करने की, तो फ्रेंड्स आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक कर लेना, तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से कंप्लीट ए टू जी पोस्ट ओपन होकर आ जाएगी। फ्रेंड्स आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फ्रेंड्स जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फ्रेंड्स इसमें यहां पे अप्लाई नो के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से साइट ओपन होकर आ जाएगी। फ्रेंड्स आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पे फर्स्ट वाले लिंक पे जहां पे असिस्टेंट लैंडमैन लिखा है, फ्रेंड्स आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से साइट ओपन होकर आ जाएगी। फ्रेंड्स यहां पे ए टू जी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट ए टू जी एडवर्टाइजमेंट पेपर है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। इसको आपने यहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के फ्रेंड्स इसको आपने फिल करके फर्दर प्रोसीड करके इन जॉब्स में अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की आने वाली कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जॉब, फ्रेंड्स जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें लास्ट डेट की बात करें तो 15 अप्रैल 2022 रखी गई है। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के अच्छा रोजगार अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान।